को, मेरा नाम है आयशा खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिटेंशन एंड फॉरगेटिंग का है। टॉपिक्स जो कवर होते हैं वो डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्टोरेज, हाउ टू मेक योर रिटेंशन, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ फॉरगेटिंग, वेज टू इंप्रूव योर मेमोरी एंड स्पेशल इश्यूज इन रिटेंशन। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड करते हैं उन फैक्टर्स पे जो इम्प्रूव करी होती है, हिंडर करी होती है मेमोरी स्टोरेज को या फिर रिट्रायवल को। थ्री बेसिक क्वेश्चंस आर, हाउ डज इंफॉर्मेशन गेट इन टू द मेमोरी, इनपुट, हाउ इज इंफॉर्मेशन मेंटेन इन मेमोरी स्टोरेज, एंड हाउ इज इंफॉर्मेशन पुल बैक आउट ऑफ द मेमोरी इज रिट्रायवल। सो थ्री बेसिक प्रोसेस आर इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रायवल। इनकोडिंग इन्वॉल्व मेमोरी फॉर्मेशन, आप कैसे इंफॉर्मेशन को मेमोरी में इनकोड कर रहे हो, उसकी कोडिंग कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एंट्रिंग कर रहे हो डाटा के थ्रू कीबोर्ड से। नेक्स्ट है, आप इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर कर रहे होते हो, कैसे मेंटेन कर रहे होते हो उस इनकोडेड इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल, सेविंग डाटा इन फाइल ऑन हार्ड डिस्क, कॉपी करते हो उसको, सेव कर देते हो हार्ड डिस्क पे। रिट्रायवल, आपने रिकवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, आपने उसको मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले किया। सबसे पहला प्रोसेस है इनकोडिंग, आपने इंफॉर्मेशन को कैसे इनकोड किया, कैसे उसकी कोडेड किया मेमोरी में। उसमें सबसे पहले एक इफेक्ट आता है, नेक्स्ट लाइन इफेक्ट। जब कभी आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आप भूल जाते हो कि इससे पहले उस बंदे ने मुझसे क्या बात की है, वो है नेक्स्ट लाइन इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, वो डिपेंड कर रहा था आपकी अटेंशन पे, आपकी अवेयरनेस पे कि कितना आप अटेंशन दे रहे हो उस कंटेंट पे, उस इंफॉर्मेशन पे। फिल्टरिंग क्या है कि आप अनवांटेड कंटेंट को जो है वो डिस्कार्ड कर लेते हो और फोकस करते हो कंटेंट पे जो आप के कंटेंट से रिजेंबल कर रहा हो। दो सेलेक्शन मॉडल हैं, एक है अर्ली सिलेक्शन मॉडल्स एंड सेकेंड वन इज लेट सिलेक्शन मॉडल्स। अर्ली सिलेक्शन मॉडल में क्या है कि एक स्टिमुलस है, आपने उसके सेंसरी डिटेक्शन की, फाइव सेंसर है, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट, टच। इसमें हमारे पास क्या है कि आपने उससे पहले उसको क्या किया, सेंस किया, आपने उस वर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग अलॉट किया। एंड लेट सिलेक्शन मॉडल में आपने रिस्पॉन्स की सिलेक्शन की एंड देन रिस्पॉन्स किया। इसमें एक मॉडल आता है क्रेक एंड लॉकहार्ट 1972 का, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। जितना डीप प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की उतनी लॉन्ग एंड लास्ट मेमोरी जो है वो डिवेलप होती है। अकॉर्डिंग टू क्रेक, थ्री इनकोडिंग लेवल्स होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिनोमिक एंड सिमेंटिक। स्ट्रक्चर में क्या है कि आपका जो इंफॉर्मेशन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। फोनेमिक में क्या है कि उसका साउंडिंग उसका साउंडिंग स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट आर वर्ड साउंड्स लाइक, रिदम कैसा है उसका। एंड सिमेंटिक क्या है कि उसके एक्चुअल मीनिंग क्या है। शैलो प्रोसेसिंग में स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग आता है, एम्फसाइज करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर पे। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में फोनेमिक इंक्लूडिंग आता है, एम्फसाइजेस व्हाट आर वर्ड लाइक। एंड डीप प्रोसेसिंग में सिमेंटिक इंक्लूडिंग आता है, emphasize the verbal input and meaning. So these are the basic three levels of processing according to Craig. Jitna zyada deeper processing ho rahi hai, utni zyada wo long term memory mein store hota hai, ya convert hota hai. Ye usne graph present kiya, structural encoding ki depth of processing mein kya jo hai wo graph uski kya level hai according to words recognition. 11. Linking a stimulus to other information at the time of encoding. For example, you are studying phobias for your psychology test. आप psychology में phobias के बारे में पढ़ते हैं और you apply this information to your own fear of spiders. और आप उसको अपने ही phobia से link कर रहे हो, related to another information जो आप पढ़े होते हैं उसको, अब उसको किसी ने किसी ऐसे information से link करते हो जो उससे related होती है, तो वो है elaboration. Visual imagery, क्रिएशन ऑफ विजुअल इमेज टू रिप्रेजेंट वर्ड्स टू बी रिमेम्बर्ड। आप जब कुछ पढ़ते हो आप उसके विजुअल इमेजिनेशन बना लेते हो, वो जो विजुअल इमेजेस हैं उसको विजुअल इमेजरी बोलते हैं। ईजियर फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जिनको आप देख लेते हो वो विजुअल इमेजरी
ये इमेजिनिंग उसके लिए तो इजियर होती है, लेकिन हार्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप फील नहीं कर सकते, उनका विजुअल इमेज बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेल्फ रेफरेंट इनकोडिंग क्या होती है? मेकिंग इंफॉर्मेशन पर्सनली मीनिंगफुल टू द सिमिलर अप्लाई टू यू पर्सनली। अब वो जो इंफॉर्मेशन उसको जो है ना वो पर्सनली मीनिंगफुल बना लेते हो या अपनी किसी इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन से उसको रिलेट कर लेते हो, तो सेल्फ रेफरेंट इनकोडिंग। स्टोरेज इनकोडिंग तो हमने पढ़ ली कि हाउ टू इनकोड, इसके अलावा ऑफ प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू क्रिएट। अब स्टोरेज क्या है? प्लेटो एंड एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टोरेज ऐसे जैसे आप वेक्स पे इम्प्रेशन नहीं बना रहे होते, वो है स्टोरेज कि आपने उस इंफॉर्मेशन को कैसे मेमोरी में स्टोर किया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज एटकिंसन एंड शिफ्रिन से 1968 में दी थी। एनालॉजी बिटवीन इंफॉर्मेशन स्टोरेज बाय कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ह्यूमन मेमोरी, उसने कहा था कि ये बिल्कुल रिजेंबल्स करते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है ह्यूमन मेमोरी में। उसने मेमोरी को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले सेंसरी, सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म। सेंसरी मेमोरी क्या है? जो बहुत बहुत ही कम टाइम के लिए मेमोरी होती है जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड होती है। फिर जब आप उसको अटेंशन देते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। आप उसको रिहर्सल करते हो, उसको रिसाइट करते हो, उसको स्टोर करते हो, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। सेंसरी मेमोरी इज बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल सेंसरी फॉर्म फॉर अ ब्रीफ टाइम के लिए वो प्रिजर्व की जाती है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी अलाउ द सेंसेशन टू लिंगर ब्रीफली आफ्टर द सेंसरी स्टिमुलेशन इज ओवर। ऑडिटरी और विजुअल अप्रॉक्सीमेटली 1 और 4 सेकंड के लिए वहाँ पर स्टोर होती है। जॉर्ज स्प्रिंगलिंग ने 1960 में बताया था क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है तो विजुअल सेंसरी स्टोर पे इतनी ब्रीफ जो होता है वो टाइम के लिए सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्प्ले कर रहा है और विजुअल भी और ऑडिटरी दोनों के साथ उसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उसने फिर इस एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट किया था कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी लिमिटेड कैपेसिटी 20 सेकंड्स होती है। अगर इसको रिहर्सल ना किया जाए तो वो इंफॉर्मेशन फेडअप हो जाती है। जॉर्ज मिलर रोट अ फेमस पेपर कॉल्ड द मैजिकल नंबर 7 + r - 2। उसका फेमस पेपर है सम लिमिट्स ऑन आवर कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वेयर ही इल्यूस्ट्रेटेड दैट एवरेज पर्सन कैन होल्ड बिटवीन 5 और 9 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। चंकिंग क्या होती है कि आप जो होते हैं वो जो स्टिमुलस है उसको छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टोर कर लेते हो, छोटे छोटे यूनिट्स बना लेते हो। तो एवरेज पर्सन कितना होल्ड कर सकते हैं 5 या 9 चंक्स या 9 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लिमिटेड ड्यूरेशन अबाउट 20 सेकंड्स विदाउट रिहर्सल। रिहर्सल क्या है कि आप रेपिटेटिवली वर्बलाइज कर रहे होते हो, थिंक कर रहे होते हो उस इंफॉर्मेशन को, तो वो रिहर्सल है। स्टिमुलस प्रेजेंट किया, रिटेंशन हुई, रिकॉलिंग हुई, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। 30 years ऑफ रिसर्च इवेंचुअली अनकवर्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद द ओरिजिनल मॉडल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट इज नॉट लिमिटेड टू द फोनेमिक एनकोडिंग, सिर्फ वर्ड्स के साउंड पे ये सिर्फ फोकस नहीं करता, विजुअल भी होती है इसमें, ऑडिटरी भी होती है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ओनली ड्यू टू डिके, इंटरफेरेंस फ्रॉम इनकमिंग स्टिमुलस आल्सो प्ले अ रोल। जो हमारी इंफॉर्मेशन जो लॉस हो जाती है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो डिके हो जाती है, हम उसको रिहर्सल नहीं करते, बल्कि क्योंकि इनकमिंग नई न्यू इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है, तो इसकी वजह से भी जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है वो स्पीड अप होती जाती है, डिके होती जाती है। कैपेसिटी बता दी कि 4 items + or - 1 नेल्सन ने कोमा ने 2001 में बताया। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज वर्किंग मेमोरी एलन बैडली
फोर कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी होती है। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल रिहर्सल, आप उसकी जो साउंड है उसकी जो साउंड है उसकी रिजल्ट है। वी यूज स्पेशल स्केच पैड, अलाउ टेम्परेरी होल्डिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ विजुअल इमेजेस। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम हैंडल्स द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिंगल एट वन टाइम एज पीपल एंगेज इन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड द लास्ट वन इज एपिसोडिक बफर, अ टेम्परेरी लिमिटेड कैपेसिटी स्टोर दैट अलाउज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड दैट सर्व एज इंटर फेस बिटवीन वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप सबसे पहले क्या है उन्हें लॉजिकल रिहर्सल करते हो, फिर उसकी विविध इमेजिंग करते हो या इमेजिनिंग करते हो, आप उस इंफॉर्मेशन को फॉर द लिमिटेड टाइम जो उसको विद होल्ड करते हो और फिर उसकी बफरिंग होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म होते हैं। व्हाई वी रिमेंबर एंड व्हाट वी रिमेंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी, देयर आर टिपिकली सिक्स रीजंस व्हाई इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी। सबसे पहले प्रीमेसी इफेक्ट, इंफॉर्मेशन दैट अकर फर्स्ट इज टिपिकली रिमेंबर्ड बट बेटर देन इंफॉर्मेशन अकरिंग लेटर। जो पहली इंफॉर्मेशन होती है वो बेटर रिटेन हो सकती है एज कम्पेयर टू द सेकेंड। तो प्रीमेसी इफेक्ट कहती है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपने सबसे पहले एक वर्ड ऑफ लिस्ट बच्चे को दिखाई, उसे रिहर्सल करवाई, फिर सेकेंड दिखाई, तो जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ वर्ड है वो बेटर रिटेन हो सकती है वो है प्रीमेसी इफेक्ट। व्हेन गिवन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स और नंबर, द फर्स्ट वर्ड और नंबर इज यूजुअली रिमेंबर्ड ड्यू टू द रिहर्सिंग दिस मोर देन अदर इंफॉर्मेशन। रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, ओपन द लास्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमेंबर्ड बेटर बिकॉज नॉट एज मच टाइम हैज पास्ड, टाइम विच रिजल्ट इन फॉरगेटिंग। सेकेंड रिसेंसी इफेक्ट की वजह से भी कि लास्ट इंफॉर्मेशन बेटर रिटेन हो सकती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। डिस्टिंक्टिवनेस, इफ समथिंग स्टैंड आउट फ्रॉम इंफॉर्मेशन अराउंड इट इज ओपन रिमेंबर्ड बेटर। आप अगर कंपेरिजन करते हो इंफॉर्मेशन का तो वो ज़्यादा रिटेन होती है। Distinctive information is easier to remember than that which is similar, usual or mundane. Frequency effect क्या होता है, आप rehearsal करते हो as stated in the first example, results in better memory. जितनी जितनी आप उस information की better rehearsal करते हो, practice करते हो, वो ज़्यादा retain हो जाती है short term में as compared to the new information जिसको आप सिर्फ एक नज़र से देखते हो और फिर वो भूल जाते हो। एसोसिएशन, आप इंफॉर्मेशन को अगर अदर इंफॉर्मेशन से एसोसिएट करेंगे जो पहले से हमारी मेमोरी में स्टोर है तो बेटर जो है ना वो रिटेन होती है एज कम्पेयर टू द अदर, तो वो हमारे पास रिमेंबर भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है वो इंफॉर्मेशन। रिकंस्ट्रक्शन, समटाइम वी एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स इन अवर मेमोरी, इन अदर वर्ड्स व्हेन ट्राइंग टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर इन अवर माइंड वी विल मेक अप द मिसिंग पार्ट्स ऑफन विदाउट एनी रियलाइजेशन दैट इज अकरिंग। कभी कभी ब्लैंक जो होते हैं हम उसको फिल आउट करने की कोशिश करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी वापस बेटर रिटेन होती है, बेटर रिमेंबर होती है एज कम्पेयर टू द अदर। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म से गुजरते हुए रिहर्सिंग प्रैक्टिसिंग वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो इन्फॉर्मेशन का बेटर जो फोकस करते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, ये परमानेंट होती है और थ्रू हिप्नोसिस हिप्नोटाइज करके हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। ये फ्लैश बल्ब मेमोरीज होती है, बहुत स्पॉन्टेनियस रिकॉलिंग होती है चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आपकी चाइल्ड की कोई बर्थडे पार्टी हुई है तो इंसिडेंट हुआ आपको उसको सिर्फ फ्लैश बल्ब याद आते हैं, तो थ्रू हिप्नोटिज्म आप उनको रिकॉल कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस है, फिनोमिक वर्सेस सिमेंटिक इनकोडिंग। वी यूज टू थिंक द फिनोमिक इनकोडिंग अकर्स इन शॉर्ट टर्म एंड सिमेंटिक इनकोडिंग इन लॉन्ग टर्म। फिनोमिक इनकोडिंग वो इनकोडिंग है जो आपकी वॉइस की जो साउंड पे डिपेंड करे, सिमेंटिक क्या है जिसको आप मीनिंग अबाउट करते हो, तो जो रिलेटेड टू विजुअल है वो किसमें अकल करिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो जो रिलेटेड टू मीनिंग है जब हम उसको मीनिंग अलॉट कर देते तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट।
decay versus interference based formatting. Used to think that decay occurred, decay किसमें होती है short term memory में and interference किसमें होती है long term memory. यहाँ पे मैं आपको एक example बताना चाहूँगी कि वो information जिसको rehearsal नहीं करते वो fade हो जाती है, वो decay हो जाती है. और कभी कभी क्या होता है कि आपने आप बहुत सारी information आपकी दूसरी information से इंटरफेरेंस करी होती है, एसोसिएट करी होती है, आप दोनों में डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो तो या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को, तो वो जो डिके होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की होती है और इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रही होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. हाउ इज नॉलेज रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी. सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंफॉर्मेशन आई क्लस्टरिंग होती है, आप सिमिलर इंफॉर्मेशन को क्लस्टर कर देते हो, आप हायरार्कीज बना लेते हो, आप स्कीमास बना लेते हो, तो डिफरेंट तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. आप सिमिलर इंफॉर्मेशन को एज अ ग्रुप में स्टोर कर लेते हो, आप जो कॉन्सेप्चुअल हायरार्कीज बनाते हो कि फॉर एग्जांपल दिस आर द फर्स्ट स्टेप, इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की हायरार्की है, आप स्कीमा बना लेते हो, मेंटल इमेज बना लेते हो, स्क्रिप्ट बना लेते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप उसको स्टोर कर रखते हो मेमोरी में. आर देयर मल्टीपल मेमोरी सिस्टम्स. हाँ जी, बहुत सारे मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स हैं. ह्यूमन मेमोरी की सेंसरी मेमोरी पहली टाइप है जो 1 सेकेंड के लिए होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं जो 1 मिनट या 20 सेकेंड्स की होती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टर्म मेमोरी होती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है, वो आपकी कॉन्शियस मेमोरी होती है जिससे आप अवेयर होते हो. इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी आती है, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी ऑफ इवेंट्स एक्सपीरियंसेस जो बहुत पर्सनल इवेंट्स, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं. एपिसोडिक मेमोरी होती है, न्यू मेमोरी जो और वो क्या वो इंफॉर्मेशन जो अराउंड द वर्ल्ड होती है या रिलेटेड टू वर्ल्ड होती है, इफेक्ट से रिलेटेड होती है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है, वो होती है सिमेंटिक मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में अदर इम्प्लिसिट मेमोरी जो अनकॉन्शियस में होती है, उसमें प्रोसीजरल मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी और बंदे को देखा हुआ है कि बाइक चला रहा है या साइकिल चला रहा है, उसको देखते हुए आप सीख जाते हो तो प्रोसीजर मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है. वो है दो टाइप्स है, डिक्लेरेटिव मेमोरी सिस्टम एंड तो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी सिस्टम. द फिजियोलॉजी ऑफ मेमोरी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, कौन से जो है वो एरिया में इन्वॉल्व है. बायोकेमिस्ट्री, मेमोरी अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द अल्ट्रेशन इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एट स्पेसिफिक साइट्स. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो रही होती है न्यूरो ट्रांसमीटर की, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है हर मेमोरी फॉर्मेशन के साथ, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है. न्यूरल सर्कुलेशन, सर्किट जो है क्या है, मेमोरीज अपीयर टू बी डिपेंड ऑन लोकलाइज्ड न्यूरल सर्किट्स. लोकलाइजेशन एंड लेटरलाइजेशन. लोकलाइजेशन, सर्टन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टन फंक्शन एंड लेटरलाइजेशन, सर्टन हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टन एंड फंक्शन. बहुत सारे पाथ है ब्रेन में की वजह से जो है वो मेमोरी स्टोरेज होती है. बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिनकी वजह से मेमोरी स्टोरेज हो रही होती है. एनएच में पढ़ते हैं हम सबसे पहले एंटीरोगेट एमिनेशिया एंड रेट्रोगेट एमिनेशिया. क्या है एंटीरोगेट एमिनेशिया, क्या है कि एक्सीडेंट के बाद जो इवेंट हो रहे होते हैं आप उसको याद नहीं कर पाते. एंड रेट्रोगेट एमिनेशिया, क्या कोई इवेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोनोलॉजिकल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग मेमोरी, हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारी मेमोरी का स्टोरेज रीजन है, डेंटेट क्लेरस व्हिच इज द पार्ट ऑफ हिप्पो रीजन ये वे रिस्पॉन्सिबल है, एमिग्डाला हमारी इंफॉर्मेशन या मेमोरीज को
ईयर में कन्वर्ट कर रहा होता है, या ये रिले सेंटर है और अलग तरह इमोशन सही ब्रेन है जो है वो हमारे कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग से रिलेटेड है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आप देख सकते हैं एमिग्डाला वो एरिया है जहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, फियर एक्सप्रेस हो रहा होता है। इसी के नीचे हिप्पोकैम्पस का रीजन है, हिप्पोकैम्पस मेन पार्ट है जहाँ पे मेमोरी स्टोरेज हो रही है, ये एनएचएम ऑफ मेमोरी। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एरिया आ जाता है, फोनोलॉजिकल लूप आ जाते हैं, फोनोलॉजिकल लूप में स्टोरेज को किस जगह पे हो रही होती है, मेमोरी किस जगह पे होती है, ये आप देख सकते हैं। Gross knowledge represented in organized human memory, इसमें नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरीज बना लेते हैं हम, कुछ मूड्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, पाथवे बना लेते हैं, जिसके से मैं हम उसको मीनिंग अलॉट कर लेते हैं तो बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन याद रहती है। हम कनेक्शन ऑफ नेटवर्क कर लेते हैं और क्विक थिंकिंग को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं और उसको इंटरकनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटेशनल नेटवर्क से, न्यूरल नेटवर्किंग हो जाती है। सिंपल वर्ड में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम मीनिंग अलॉट करते हैं अगर इंफॉर्मेशन को तो वो बेटर रिटेन करते हैं। हम न्यूरल पाथ पे बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन में, अब ये जो कनेक्शन है ये इंटरकनेक्टेड हो रहे होते हैं और ये स्टोर हो रहे होते हैं एज अ मेमोरी। फाइबर जो लास्ट पार्ट था, इनकोडिंग स्टोरेज एंड फाइबर, द टिप ऑफ द टंग फिनोमिना के अक्सर आपने सुना होगा कि जो बादल में होती है वो जुबान पर आ जाती है, तो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग फिनोमिना वही है, तो जो आपके जहन में होती है वो रिस्टोर होता है, वो एकदम जो वो जुबान पे आ जाता है। रिफाइवल में रिकॉलिंग एन इवेंट, आप कैसे उस इवेंट को रिकॉल करते हो, स्टोर करने के बाद आप उसको, क्या ये इजियर है फॉरगेटिंग इवेंट को याद रखना, ये डिफिकल्ट है। आप मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मिस इंफॉर्मेशन रिकॉल एन इवेंट इज ऑल्टर ड्यू टू मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पोस्ट इवेंट, आपने उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया है, कभी कभी ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी स्टोरेज या आपकी इनकोडिंग ठीक से नहीं होती है, इसीलिए आप उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे होते या रिट्राइव नहीं कर पा रहे होते। सोर्स मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एट्रीब्यूशंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ मेमोरीज। एट्रीब्यूशन क्या क्या, आप कॉज किसी और को दे देते हो, तो रिट्रैवल कभी कभी कॉज क्या होता है कि आपने जो है वो जो इवेंट है वो जो इंसिडेंट है उसको सही स्टोर नहीं कर पाए, सही जो है वो आपने उसको इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरगेटिंग। Forgetting is the retention loss, refers to the apparent loss of information already encoded and stored in an individual's long-term memory. It is a spontaneous or gradual process in which old memories are unable to be recalled from memory storage. Problems with remembering, learning and retaining new information are a few of the most common complaints of the older adults. Forgetting क्या है, information loss होती है, लेकिन कभी कभी forgetting जो है वो necessary भी होती है, आप जो है वो जो irrelevant information है उसको forget कर लेते हो या वो information को forget कर लेते हो जो आपको नहीं चाहिए होती, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि फॉरगेटिंग ड्यू टू ब्रेन इंजरी, ड्यू टू ओल्ड एजिंग या ड्यू टू रिप्रेशन की वजह से भी फॉरगेटिंग होती है। हर्मन एबिंगहॉस स्टडीड फॉरगेटिंग यूजिंग रिटेंशन इन द लेट 18th बाय यूजिंग हिमसेल्फ एज अ सब्जेक्ट। ही फाउंड दैट रिटेंशन एंड फॉरगेटिंग अकर ओवर टाइम एंड वाटर लॉस डेटा। टाइम के साथ साथ रिटेंशन होती है, फॉरगेटिंग होती है, जो नॉन सेंस सेलेबल्स हैं वो बेटर जो है वो रिटेन नहीं हो पाते और वो जल्दी उनको फॉरगेट भी कर लेते हैं। नॉन सेंस सेलेबल्स क्या है कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता।
रिटेंशन द प्रोपोर्शन ऑफ मटीरियल रिटेन कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप उसको रिकॉल करो, फिर उसको रिकग्नाइज करो, उसकी रीलर्निंग करो, तो ऐसे रिटेंशन बेटर होगा। व्हाई डू वी फॉरगेट, मैंने आपको बताया कि या तो उसकी इनकोडिंग सही से नहीं हुई, या फिर क्या हमने उसको रिप्रेस कर दिया, या फिर क्या है कि वो बहुत यूजलेस इंफॉर्मेशन है। कभी कभी कहते हैं कि सूडो फॉरगेटिंग भी होती है, यूजली ड्यू टू द लैक ऑफ अटेंशन, हमने जो है वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से सूडो फॉरगेटिंग या फॉल्स फॉरगेटिंग हो जाती है। इन इफेक्टिव इनकोडिंग का क्या मतलब है कि वो इनकोडिंग सही से नहीं होता, उसको सबसे पहले इनकोड ही नहीं किया, जब वो स्टोरी नहीं हुई तो वो फॉरगेटिंग हो सकती। डिके थ्री कहते हैं कि फॉरगेटिंग अकर उसकी आहिस्ते आहिस्ते मेमोरी फेड अप हो रही होती है विद टाइम के साथ। इंटरफेरेंस थ्री कहते हैं फॉरगेटिंग जो होती है कि कभी कभी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेरेंस करी होती है, वो है रिट्रैक्टिव इनहिबिशन। एडवोकेटिव कहते हैं कि जो पुराना इन्फॉर्मेशन हमने पहले से याद किया वो हमारे नए इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है, तो वो फॉरगेटिंग इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है कि आपने इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की, आपने स्टडी साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का मिसलीड हो रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। बाद वाला जो है पहले में इंटरफेरेंस करे तो वो है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। न्यू लर्निंग इंटरफेरेंस विद ओल्ड वन, अगर ओल्ड है वो न्यू वन के साथ इंटरफेयर करें तो प्रोएक्टिव इनहिबिशन। Encoding specificity holds that the effectiveness of a read travel queue depend upon how well it corresponds to the memory code that represent the store item, कैसे वो information encode हुआ, कैसे वो store हुआ, इस पे encoding बहुत depend करी होती है। अगर encoding अच्छे से नहीं हुई तो वो फेड अप हो जाती है। Transfer appropriate processing hold that when the initial processing of information is similar to the type of processing required by the subsequent measure of retention, retrieval is easier. Retrieval क्या क्या, अगर आप जो information है initial information है वो similar है बाद की information के साथ, तो आप अच्छे से retrieve कर लेते हो, लेकिन अगर उसमें distinctiveness है वो differentiate नहीं कर पाए तो retrieval फेल है, आप उसको retrieve नहीं कर पाते, retrieve नहीं कर पाते। डिप्रेशन क्या कि कभी कभी फॉरगेटिंग जो होती है कि कभी कभी चाइल्डहुड में कोई ऐसे इंसिडेंट्स पेनफुल इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसको हम लोग नहीं याद कर सकते, हम उस मेमोरी को डिप्रेस कर देते हैं। ये फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था कि हम पेनफुल एंड अनप्लेजेंट मेमोरीज को रिप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक बताया गया है ग्राफ के जरिए, retrieval failure होता है ना controversy हो जाती है। The wide research clearly show that memories can be created by suggestion in case of child sexual abuse memories. For example, this issue become quite emotionally charged होते हैं। तो उस वजह से भी retrieval fail हो जाते हैं। तो हम उस चीज को repress कर लेते हैं। हम नहीं जोड़ने देते हैं। हम अपनी memory को कैसे improve कर सकते हैं? सबसे पहले engage in एडिकेट रिहर्सल, रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें, डीप प्रोसेसिंग करें, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, वर्बल निमोनिक्स के जरिए, विजुअल निमोनिक्स के जरिए भी अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, विजुअल एड या जो है ऑडिटरी एड यूज कर सकते हैं, अपनी जो है वो ईटिंग को या डाइट को ठीक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, मल्टी टास्किंग करें, नाइट स्लीप हमारी अच्छी होनी चाहिए, ब्रेन गेम्स खेलें, masters a new skill, try mnemonic devices, ऐसे devices जो visual and auditory aid use करें, तो हमें वो play या वो skills use करने चाहिए, इस वजह से भी हमारी memory जो है वो better retain हो सकती है, improve हो सकती है। Special issues and retention क्या है? According to the abnormal psychology, amnesia क्या होता है? Memory loss। अब वो मेमोरी लॉस या तो ओल्ड एजिंग की वजह से या एजिंग की वजह से हो सकती है, या ब्रेन डैमेजिंग की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। अनदर फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस इज लॉस एसोसिएटेड विद डिमेंशिया कॉज्ड बाय द इरोजन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एज अ रिजल्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ
प्लग्स एंड टैंगल्स इन द ब्रेन, प्लग्स बन जाते हैं एंड प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, टैंगल्स बन जाते हैं जो बाद में अल्जाइमर डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड की गई, इन केस अगर आपको प्रेजेंटेशन की नहीं समझ आती है, आप बेटर जो है वो रिहर्सल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।